हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिकेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक नए एक्सीडेंट के बारे में, बल्कि यूं कहिए एक क्रैश था जो कि बहुत ही ज्यादा फेटल था। इसमें 115 पैसेंजर्स और साथ साथ 6 क्रू मेंबर्स की पूरी तरह से डेथ हो गई थी और इस पूरे फ्लाइट का कोई भी सर्वाइवर नहीं था, यानी कोई भी जिंदा नहीं बचा था। ये कैसे हुआ था? एक ह्यूमन फैक्टर था, एक इंसानों की गलती थी इसमें। ऐसा नहीं था कि इसमें मशीन का फेलियर था। तो हम इसको एक वन बाय वन करके इसको डिस्कस करना चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये कहानी है एक बोइंग 737 एयरक्राफ्ट की, जो कि 14 अगस्त 2005 को साइप्रस से टेक ऑफ करता है। ठीक है, ये अर्ली मॉर्निंग टेक ऑफ था, यानी सुबह के 4-5 बजे का, 6 बजे तक का टेक ऑफ रहा होगा इसका। और ये शेड्यूल्ड था पोर्गे करके एक जगह थी, वहां जाना था इसको वाया एथेंस, यानी पहले एथेंस जाता और वहां से फिर अगले डेस्टिनेशन के लिए जाने वाला था। इसके एयरक्राफ्ट के जो प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन किया गया था उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो बिल्कुल ओके था और एयरक्राफ्ट ने एकदम नॉर्मल टेक ऑफ किया। ठीक है, टेक ऑफ करने के लगभग 5 मिनट बाद जब एयरक्राफ्ट लगभग 12,400 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो कॉकपिट में एक अलार्म सुनाई दिया, एक वार्निंग सुनाई दी। ठीक है, और ये वही वार्निंग थी जो या तो केबिन एल्टीट्यूड की वार्निंग होती है या फिर केबिन का जो टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर नहीं है, इस बात का इंडिकेशन देता है। ठीक है, अब इसमें केबिन एल्टीट्यूड वार्निंग का मतलब ये होता है कि देखिए, हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं, चाहे जिस प्रकार की भी एयरक्राफ्ट हो, अगर वो एयरक्राफ्ट 10,000-12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं या उससे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं तो उनके अंदर एक सिस्टम लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रेशराइजेशन सिस्टम। ठीक है, प्रेशराइजेशन सिस्टम का काम क्या होता है? तो उसका काम होता है कि वो प्रेशर और ऑक्सीजन आपके कॉकपिट के अंदर और आपके केबिन के अंदर जहां पैसेंजर बैठते हैं वो जो है वो धरती के लेवल का ही, यानी अर्थ के लेवल का ही, या अर्थ से लेके लगभग 8,000-10,000 फीट तक का जो टेम्परेचर, प्रेशर और ऑक्सीजन है वो मेंटेन करके रखता है ताकि किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा देर तक रखा जाएगा 10,000 फीट से ऊपर और आपको प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रेशराइजेशन नहीं दिया जाएगा तो आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, पहले आप बेहोश हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे करके आपकी डेथ हो जाएगी। इसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये वार्निंग आई, जैसे ही वार्निंग आई तो पायलट ने क्या किया, जो कंपनी के ऑपरेशन डिपार्टमेंट थे, क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत ऊपर अभी नहीं गया था, तो उन्होंने तुरंत उस पर कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि हमें केबिन कॉन्फ़िगरेशन की कोई वार्निंग आ रही है। ठीक है, अब क्योंकि ऑपरेशन टीम को इसकी जानकारी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने तुरंत के तुरंत एक टेक्नीशियन को ये कॉल दिया कि आप बात करिए एक बार पायलट से। ठीक है, जब पायलट ने उनसे बात करी तो पायलट ने बोला कि उनके वेंटिलेशन फैन लाइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग था, क्योंकि या तो वेंटिलेशन फैंस में हो सकता है या तो किसी प्रकार के लाइट में। वेंटिलेशन लाइट फैन का क्या मीनिंग था ये टेक्नीशियन को बिल्कुल से भी समझ में नहीं आया, क्योंकि टेक्नीशियन बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था और उसी टेक्नीशियन ने थोड़ी देर पहले उस पर कुछ मेंटेनेंस किया हुआ था। इस वजह से उन्होंने तुरंत के तुरंत पायलट को बोला कि आप प्लीज कंफर्म करिए कि आपका जो प्रेशराइजेशन पैनल है, यानी कि जहां से हम ये सेलेक्ट करते हैं कि एयरक्राफ्ट प्रेशराइज कैसे होगा, मैनुअल मोड के थ्रू होगा, सेमी मैनुअल होगा या फिर ऑटोमेटिक होगा, उस मोड को क्या वो ऑटोमेटिक पे सिलेक्टेड है या फिर नहीं है। टेक्नीशियन ने तुरंत के तुरंत किससे पूछा? पायलट से। बट जो पायलट थे वो क्योंकि बहुत ज्यादा सीनियर पायलट थे तो वो एकदम बिल्कुल इससे डिस्ट्रेस हो गए और वो उनको बोलने लगे कि आप बस ये बताइए कि हमारे इक्विपमेंट कूलिंग का जो सर्किट ब्रेकर है वो कहाँ पर है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर जो है कॉकपिट में ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको अगर आप पुल अप कर दें, यानी बाहर की तरफ निकाल दें, ओपन कर दें, तो वो इक्विपमेंट जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता और वो कंपोनेंट बंद हो जाता है। ठीक है, तो टेक्नीशियन ने बोला कि वो कैप्टन की सीट के जस्ट पीछे है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ इसका कोई भी अंदाजा नहीं था, फोन कट गया और ये फोन होते होते, क्योंकि ये थोड़ा लंबा कन्वर्सेशन चल रहा था, तो ये फोन होते होते आपका एयरक्राफ्ट जो है वो क्लाइम कर रहा था, क्योंकि कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था, तो क्लाइम करते करते जो उसका केबिन एल्टीट्यूड था वो लगभग 14,000 फीट पहुंच गया। अब देखिए ये केबिन एल्टीट्यूड क्या होता है, केबिन एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपका एयरक्राफ्ट कितने भी हाइट पर उड़ रहा हो, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हो, उसके अंदर जो माहौल बना के रखा गया, जो इन्वायरमेंट बना के रखा गया वो कितने हाइट का रखा गया। ठीक है, तो वो हमेशा हम 10,000 फीट, 8,000 फीट का ही रखते हैं, उससे ज्यादा का केबिन एल्टीट्यूड नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि इनको वार्निंग आ चुकी थी और इनके एयरक्राफ्ट में प्रेशराइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था, इस वजह से जो केबिन एल्टीट्यूड था वो 14,000 पहुंच गया। 14,000 पहुंचने का मतलब सिंपल सा है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगी और प्रेशराइजेशन कम होने लगा। जैसे ही ये कंडीशन आई, जो एयरक्राफ्ट के अंदर मास्क होते हैं वो पूरी तरह से डिप्लॉय होने लगे, नीचे गिरने लगे, क्योंकि उसको डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि अगर केबिन एल्टीट्यूड 14,000 या उससे ज्यादा हो जाए तो उसको तुरंत के तुरंत डिप्लॉय हो जाना है। जैसे ही वो डिप्लॉय होने लगे उसके बाद अपना एयरक्राफ्ट कंटिन्यू रहा, चलता गया और कुछ ही देर में एयरक्राफ्ट ने लगभग 28,900 फीट की ऊंचाई हासिल कर ली। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा माना जाता है कि इसके बाद ही असली कहानी चालू हुई
और हाइपोक्सिया की वजह से, क्योंकि ये जो वार्निंग आई थी वो केबिन कॉन्फ़िगरेशन की नहीं थी, वो केबिन अल्टीट्यूड का वार्निंग था जो कंफ्यूजिंग था और पायलट इसको समझ नहीं पाया और उसको ऐसा लगा कि ये केबिन के कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम है और इस वजह से उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसकी वजह से सबको हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया मतलब धीरे धीरे करके सबका ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और उसकी वजह से सब अनकॉन्सियस हो गए, सारे के सारे लोग बेहोश हो गए, इंक्लूडिंग द फ्लाइट मेंबर्स, इंक्लूडिंग द फ्लाइट क्रू मेंबर्स यानी कि पायलट्स। ठीक है, इस बात की जानकारी कैसे मिली, तो क्योंकि जब एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, लगभग 34,000 फीट तक पहुंच गया और क्योंकि उसको प्रोग्रामिंग की जाती है, आप सब जानते हैं आजकल के एयरक्राफ्ट में, उस समय के भी एयरक्राफ्ट में हम प्रोग्रामिंग करते थे कि आपको कहाँ जाना है, किसके थ्रू जाना है, कौन से वे पॉइंट के थ्रू जाना है, कहाँ पर आपको क्रूज करना है, कितना क्लाइम करना है, तो उसमें जो भी प्रोग्राम था 34,000 फीट पहुंचने के बाद एयरक्राफ्ट जो है क्लाइम करने के बाद क्रूज करने लगा यानी सीधे चलने लगा। ठीक है, अब एयरक्राफ्ट से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, रेडियो पर कोई जवाब नहीं आ रहा था, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो तुरंत के तुरंत इमीडिएटली जो फाइटर्स जेट्स थे F-16 उनको इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा गया कि आप जाकर के देख करके आइए कि क्या सब कुछ ठीक भी है या नहीं है, क्योंकि कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब वो फाइटर एयरक्राफ्ट क्लोज ऑब्जर्वेशन के लिए यानी एयरक्राफ्ट के काफी पास तक उड़ के गए, तब उनको पहली चीज क्या दिखी कि जो कैप्टन की सीट थी वो वैकेंट थी, वहां पर कोई बैठा ही नहीं था। ठीक है, दूसरी उन्होंने देखी जो फर्स्ट ऑफिसर की सीट है उस पर कोई था ही, कोई अलग ही बंदा था, उस पर फर्स्ट ऑफिसर नहीं, ऐसा उनको लगा दूर से कि वो कोई अलग पर्सन है और वो पर्सन ना ऐसे झुका हुआ है आपके उसके ऊपर कंट्रोल्स के ऊपर यानी वो होश में नहीं था। फिर उन्होंने देखा कि पूरे के पूरे केबिन में ऑक्सीजन मास्क जो है लटक रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर लटक रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर ऐसे थे कि जो पैसेंजर्स हैं वो केबिन मास्क लगाए तो हुए हैं बट वो मोशनलेस हैं, वो कोई भी उनकी हरकत नहीं दिख रही है, क्योंकि इतनी बड़ी इमरजेंसी होती तो ऑब्वियसली अफरा तफरी मची होनी चाहिए था ना केबिन में, कुछ भी नहीं, एकदम पूरा मोशनलेस है, सब लोग एकदम शांत है। और जब ये उनको दिखा और उन्होंने ये रिपोर्ट किया तो इसका मीनिंग समझ में आया कि सारे के सारे लोग हाइपोक्सिया के शिकार हो चुके हैं और किसी के पास भी ऑक्सीजन का कनेक्शन नहीं है, सारे लोग विदाउट ऑक्सीजन है। और क्योंकि एयरक्राफ्ट में कोई नहीं था और बाहर से हम कोई हेल्प नहीं कर सकते थे, इस वजह से ये बहुत ही ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ और 9 बजे के अराउंड जो ये एयरक्राफ्ट था वो एथेंस के आसपास हिली एरियाज में जाकर के क्रैश हो गया और इसमें 115 लोग जो पैसेंजर थे और जो 6 क्रू मेंबर थे सारे के सारे मारे। एविएशन हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये जो हमारा क्रैश था, इस वजह से क्योंकि बहुत सारे सेफ्टी चीजें उसके बाद बदली, बहुत सारी चीजें बदली। हालांकि अब हम चलते हैं इन्वेस्टिगेशन पर और देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सामने आया। सबसे पहले इनको ये समझ में आया कि जो ये एयरक्राफ्ट था जो ये फ्लाई कर रहा था, वो एयरक्राफ्ट के जस्ट पहले जो फ्लाइट हुई थी उसमें क्रू ने ये रिपोर्ट किया था कि एक सर्विस डोर जो राइट हैंड साइड वाला है वो काफी ज्यादा फ्रोजन था, बहुत ही ज्यादा जाम था, वो अच्छे से खुल नहीं रहा था और वहां से कुछ आवाजें भी आ रही थी। ठीक है, तो आवाज आने का मतलब क्या है कि वहां से हवा पास हो रहा था और हवा पास होने का मतलब कि वहां लीक था यानी प्रेशराइजेशन में प्रॉब्लम थी पहले से। ठीक है, इसको रिपोर्ट भी किया गया था, टेक्निकल लॉक्स में इसको डाला गया था। फिर टेक्नीशियंस ने, क्योंकि ये रात की बात है, तो टेक्नीशियन ने रात में 1:30 से लेकर के रात के ही 3:15 तक उस पर इंस्पेक्शन किया। सबसे पहले उन्होंने विजुअल इंस्पेक्शन किया पूरे के पूरे डोर का, उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं लगा कि उनको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है। फिर उन्होंने क्या किया कि एयरक्राफ्ट का ना, क्योंकि ऑब्वियसली आवाज आने का भी प्रॉब्लम था तो उनको प्रेशराइजेशन चेक करना था। अब देखिए, मैंने जस्ट आपको बताया कि प्रेशराइजेशन चेक का मतलब यह है कि हम ये चेक करें कि एयरक्राफ्ट जब ऊपर जाता है, अल्टीट्यूड्स पर जाता है, 10,000, 20,000, 50,000 फीट के ऊपर पर जाता है, तो क्या वो केबिन अल्टीट्यूड मेंटेन कर पाता है कि नहीं अर्थ वाला। ठीक है, अब क्योंकि एयरक्राफ्ट तो जमीन पे है जब उसका मेंटेनेंस हो रहा है तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जनरली हमारे जो प्रेशराइजेशन मोड्स होते हैं वो ऑटो में होते हैं। ऑटो मतलब जैसे ही वो 10,000 फीट के ऊपर जाते हैं प्रेशराइजेशन अपने आप चालू हो जाता है, जैसे ही वो लैंडिंग के टाइम पे 10,000 फीट से नीचे आते हैं धीरे धीरे करके प्रेशराइजेशन अपने आप रुक जाता है, वो ऑटोमेटिक होता है। लेकिन क्योंकि मेंटेनेंस के टाइम पे उन्हें प्रेशराइजेशन करना था और वो क्योंकि जमीन पे खड़ा था तो ऑटोमेटिकली तो प्रेशराइजेशन होगा नहीं, तो इस वजह से मेंटेनेंस मैनुअल में जो लिखा हुआ था उसको फॉलो करते हुए इन्होंने प्रेशराइजेशन को मैनुअली सेलेक्ट किया और मैनुअली प्रेशराइजेशन करके चेक किया कि क्या हमारा डोर से कोई लीक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इन्होंने चेक किया, कोई भी किसी भी तरह का लीक वहां पर नहीं हो रहा था और इस वजह से एंट्री क्लियर कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मेंटेनेंस मैनुअल में जो आखिरी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कि आपके एयरक्राफ्ट को इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में लेके आना है, पुट बैक द एयरक्राफ्ट इनटू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इस चीज को ध्यान नहीं दिया गया टेक्नीशियंस के द्वारा और इंजीनियर के द्वारा, और जो सेलेक्टेड स्विच था आपके प्रेशराइजेशन का उसको मैनुअल में ही छोड़ दिया गया। ठीक है, मैनुअल होने का क्या मतलब है, मैनुअल होने का मतलब यह है कि जब तक आप उसको या तो ऑटो में या फिर प्रेशराइजेशन खुद मैनुअली स्टार्ट नहीं करेंगे एयरक्राफ्ट में प्रेशराइजेशन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, और इस यही वजह थी कि जब एयरक्राफ्ट ऊपर गया तो पायलट को तो ये अंदाजा था नहीं,
क्योंकि जनरली वो किसमें होता है, ऑटो में सेलेक्ट होता है, और वो किसमें छूट गया था, मैनुअल में छूट गया था, पायलट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और ये पायलट की भी गलती थी, क्योंकि जब प्री इंस्पेक्शन चेक किया जाता है एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ से पहले, तो उसमें ये सारे बटन इंक्लूडिंग ये प्रेशराइजेशन पैनल, इनको कंफर्म करना होता है क्या वो ऑटो में सेलेक्टेड है या फिर नहीं है, उनके द्वारा भी ये नजरअंदाज किया गया। दूसरी बात, जब टेक्नीशियन से उन्होंने बात की और टेक्नीशियन ने उनको बोला कि आप प्लीज कंफर्म करिए कि जो पैनल है प्रेशराइजेशन पैनल, वो स्विच जो है वो ऑटो में सेलेक्टेड है या नहीं है, उस टाइम पर भी फ्लाइट क्रू ने यानी जो कैप्टन थे उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इन दो गलतियों के कारण एयरक्राफ्ट क्या हो गया, क्रैश, और सारे के सारे लोग मर गए, कोई भी इसमें सर्वाइवर नहीं बचा। ठीक है, तो इसका जो मेन रूट कॉज निकल करके आया वो क्या निकल कर आया, पहला लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, जिन्होंने मेंटेनेंस किया, जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने मेंटेनेंस किया, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं था कि इसको मैनुअल में छोड़ने का क्या मतलब वो हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बात, मेंटेनेंस मैनुअल को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया, यानी लैक ऑफ कॉम्प्लेंसी को फॉलो किया गया, यानी कि ऐसा लगा कि ये तो सही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरी चीज, पायलट की तरफ से भी यही कॉम्प्लेंसी का प्रॉब्लम था, क्योंकि बहुत सीनियर पायलट थे, तो उनको लगा तो होया ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि ये मैनुअल में छोड़ गया होगा। ठीक है, दूसरी बात, जब उन्होंने प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन किया तब भी ध्यान नहीं दिया। तीसरी बात, जब उन्होंने टेक्नीशियन से बात की कॉल पे, उस टाइम पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इस चीज को करेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो और चौथी चीज समझ में आई, लैक ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, क्योंकि एयरक्राफ्ट का जो इंस्पेक्शन किया गया था वो रात में किया गया था, और जिन लोगों ने इस पे इंस्पेक्शन किया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन लोगों में बहुत ज्यादा प्रेशर था, उनको और भी ज्यादा काम करने दे, इस वजह से उन्होंने प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस जो मैनुअल में दिए गए थे उनको फॉलो नहीं किए। ठीक है, और इसके साथ साथ ही जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको ये चीज कन्वे की गई कि जो आपका सेंटेंस था ना कि पुट बैक द एयरक्राफ्ट इनटू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, वो अच्छा नहीं है, वो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, तो इसलिए उसमें आप स्टेप लिखिए कि एयरक्राफ्ट के उस स्विच को दोबारा मैनुअल से ऑटो में सेलेक्ट कीजिए, ये एक्शन आप लिख करके दीजिए, ताकि इस तरह की गलती फ्यूचर में ना होने पाए। ठीक है, तो ये छोटी सी गलती, एक ह्यूमन एरर जो दोनों ही तरफ से हुआ, इंजीनियरिंग टीम और ऑपरेशंस टीम की वजह से, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई और इतने सारे लोगों की जान चली गई। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा लोग इसको जानकारी ले सके और जान सके, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू।